फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिलाषा पोखरना। स्वागत है आपका अभी फूड मैजिक में। तो आज की हमारी रेसिपी है भिंडी फ्राई। भिंडी को किस तरह से ग्रीन रखेंगे और चटपटा बनाने के लिए हम इसकी रेसिपी आज देखेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने भिंडी लिया है, 200 ग्राम भिंडी के करीब लिया है, आप अपने हिसाब से ले लें। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हमें पूरा तरह से ड्राई करना है। भिंडी को आप अच्छे से ड्राई करेंगे, इसे कपड़े में इस तरह से लपेट लें ताकि इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाए। ये देखिए, आपको गीली भिंडी नहीं बनानी है कभी भी। भिंडी को हमेशा ऐसे ड्राई कर ही बनाना है, नहीं तो वो लचपची बनेगी। ये देखिए, हमारी भिंडी प्रॉपरली ड्राई हो चुकी है। अभी मैं इसके पीसेस कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसके छोटे पीसेस कट कर लिए हैं और प्याज के और हरी मिर्ची के भी पीसेस कट कर लिए हैं। तो चलिए बघार लगाते हैं। पैन में ऑयल लेंगे, इसमें डाल देंगे हमारा जीरा। गरम होने दीजिए जीरे को अच्छे से। हींग डाल देंगे इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भिंडी। अभी हमें इसे भिंडी को हाफ फ्राई करना है, मतलब हाफ पक जाए उस तक आपको निकालना है इसे। ये देखिए, अभी मैं इसे ढककर कवर करके पकाऊंगी। चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पूरी तरह से नहीं पकी है, क्रिस्पी है ये। तो चलिए इसे एक बार निकाल लेते हैं हम। सेम पैन में हम लेंगे हरी मिर्च और हमारा ऑनियन, चॉप ऑनियन। इसे भी अच्छे से पकाइए। मसाला डाल देंगे इसमें, हल्दी और नमक। मिक्स करें इसे। चलिए इसके बाकी मसाले भी डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसमें, कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। मिक्स करिए इसे भी। अभी इसमें मैं डालूँगी लेमन जूस। लेमन जूस आप डालेंगे तो आपकी भिंडी हरी रहेगी, इसको काला नहीं होने देगी भिंडी, इसलिए आप इसमें लेमन जूस डाल दें थोड़ा सा। और जो हमने भिंडी फ्राई करी थी हाफ, वो डाल दीजिए आप इसमें। मिक्स करिए अच्छे से मसालों को। ये देखिए, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी इसे हमें ढककर पकाना है। ये देखिए, सॉफ्ट होने तक आप इसे पकाएंगे। ये देखिए, भिंडी हमारी अच्छी खासी सॉफ्ट हो चुकी है, मसाला भी अच्छे खासा पक चुका है। ये देखिए, और एकदम ग्रीन बनी है हमारी। तो ये है हमारी चटपटी भिंडी। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व करिए, बहुत ही स्वाद लगेगा। ये देखिए, तो हमारी भिंडी फ्राई रेसिपी तैयार है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, फटाक से बन जाएगी। आप जल्दी से इसका लंच में बना सकते हैं, डिनर भी बना सकते हैं। तो चलिए, आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।